आज हमारे ब्लॉग का तीसरा दिन और आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। अभी लगभग सुबह के 6 बज गए और मैं उठ चुका हूँ, तो चलो तैयार होते हैं क्योंकि मुझे जल्द 8 बजे तक निकलना होगा घर से। मेरा एक फ्रेंड स्टेशन आ रहा है, उससे मुझे कुछ सामान रिसीव करना है, तो मैं जल्दी से ब्रश करके अभी जाऊँगा स्टेशन और फटाफट से मुझे वापस भी आना होगा। मैं स्टेशन तो पहुँच चुका हूँ और जैसे जैसे सुबह हो रही है ठंड बढ़ता ही जा रहा है, और मेरा दोस्त का फ़ोन भी ऑफ हो चुका है जिसकी वजह से मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि यार कितने देर के बाद ट्रेन आएगी। ठंड के कारण ट्रेन और लेट होता जा रहा है, लगभग आधा घंटा से ऊपर इंतज़ार करने के बाद भी अभी भी ट्रेन नहीं आई और सारे ट्रेन के पैसेंजर्स परेशान हैं ट्रेन के लेट हो जाने से। लगभग 10:40 से 45 मिनट्स ऑलरेडी लेट हो चुकी है। लगभग 50 से 55 मिनट इंतज़ार करने के बाद आखिरकार ट्रेन आ ही गई, जिससे मेरा दोस्त आने वाला है और इसका फ़ोन ऑफ हो गया था जिसके कारण हमें इतना इंतज़ार करना पड़ गया। और ये रहा मेरा दोस्त। अब ट्रेन चली अपनी मंजिल की और हम चले अपने घर। ऑटो बस ट्रक का हड़ताल होने के बाद भी ऑटो चल तो रहे हैं, लेकिन चलो बढ़िया ही है, चल रहे हैं तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और हम चले अपने घर। मैं और घर तो पहुंच गया और मुझे भी लेट हो रहा था, मुझे भी बाहर जाना था, तो चलो अब जल्दी से रेडी होकर चलते हैं घर। अब जैसे ही दिन बढ़ता जा रहा, अब और फॉग आते जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत फॉग हो चुका है और लग रहा है इसके वजह से आज मेरा काम का तो नुकसान होने वाला है। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई कि काम तो आज बंद ही है। उसके लिए कुछ सामान लेने में चला आया दुकान से मैं जाऊँगा घर। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है अचानक से बहुत। वो ठंड में ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है, तो मैंने भी नहा लिया और अब मैं चलता हूँ पूजा करने। पूजा करके दिन का शुरुआत करेंगे आज का। मेरा पूजा हुआ ख़त्म और देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब कोई ख़ास काम तो था नहीं, तो कुछ बैंक का काम पेंडिंग पड़ा था, तो सोचे चलो बैंक का काम ही कर लेते और जाने से पहले सेफ्टी फर्स्ट। मैं पहुंच गया बैंक, अब जल्दी से काम निपटा के चलेंगे हम घर। हमारा बैंक का काम हो गया खत्म और चलेंगे। अब करने को तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो हम तो हैं बेरोजगार, तो अब दिन कैसे कटेगा, तो बेरोजगारी तो हम करेंगे। और आज बेरोजगारी करने फिर मैं विकास के साथ जाऊंगा। मैंने उसको फ़ोन लगाया और मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ उसके घर के पास लेने, अब हम चले बेरोजगारी करना, अब आएंगे 2-3 घंटे के बाद। बेरोजगारी का समय हुआ ख़त्म और भूख लग चुकी थी, तो हम आ गए अपने अपने घर। और मैं जैसे ही घर आया तो मैं देखा लक्ष्य कुछ ड्राइंग पेंटिंग कर रहा था, तो आइए जानते हैं वो कर क्या रहा। क्या है? खरगोश तो तुम खुद लगा रहे हैं। खरगोश तो तुम खुद लग रहा है। अब लक्ष का ड्राइंग पेंटिंग खत्म हो गया और उसके बाद अब ये खेलने लगा गेम। लंच करने के बाद मैं सो गया था और उसके बाद जब उठा तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देख रहा था, टेस्ट मैच। इतना घटिया तो कभी आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, एक दिन में 23 विकेट। मूड तो खराब हो गया, आज कोई काम तो था नहीं और एक टाइम पास का जरिया था, वो भी मूड खराब करके चला गया। मूड को रिफ्रेश करने के लिए अब हम चलेंगे बाहर घूमने। लगभग रात के 9 बज रहे हैं, मैं और विकास जाएंगे कहीं घूमने। अब मुझे देखते ही ये दो डॉग्स इस तरीके से आ गए और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लगता है इन्हें भी ब्लॉग में आना था। ये दोनों हैं विकास के दो अनमोल रतन जिन्हें ये हद से ज्यादा प्यार करता है। लगभग 1 घंटा तक बाहर बेरोजगारी करने के बाद हम वापस रात के लगभग 10:30 बजे हम घर आ रहे हैं।